डांस प्लस के मंच पे। इंडिया के उभरते डांसर्स दिखाएंगे अपना बेस्ट टैलेंट। पर इस बार उनके साथ जुड़े हैं अपनों के सपने। इनमें से एक ऐसा बाप है जो कई महीनों से सिर्फ एक ही चप्पल में घूम रहा है ताकि इनके बच्चे डांसिंग शूज पहन सके। एक ऐसी माँ है जो घर वालों से छुपाकर अपने बच्चों के सपने जिंदा रखती है। ये नाच रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं नाच रही हूँ। मेरे बच्चे का सपना है, बच्चे लोग पूरा कर रहे। ये मंच बदलेगा सपनों को हकीकत में। कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते। डांस प्लस 4 6 अक्टूबर से शनिवार रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और हॉटस्टार पर। ए अंदर क्या कुछ सोचो बहुत छोड़ जाके तेरे बुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे बोल। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है और साथ में गुंडा बहरा भी है और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार है। बोल जाके कुश्ती। हाँ कुश्ती जा बोल जाके उसको। चलो मुच्छड़ कोलकाता में रहकर बंगाली और नेपाली के जगह गुजराती को चौकीदार रखता है, कल उठ के यही चोरी करेगा। पहलवान छो? अरे पहलवान के मारुति वाहन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल उसको। तो तुम जाओ अंदर। चलो नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। धोबी धोबी ए रुको। चलो हाँ चलो 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 वहाँ नहीं अंदर चल अंदर चल अंदर चल। आओ आओ मारुती क्या लेने आए हो यहाँ? नमस्ते सेठ जी, आप वोट लेने आया हूँ। वोट? ये गुजरात है गुजरात, यहाँ ना वोट है ना बाटली है, निकले यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी हूँ। तो इतना रीरी क्यों कर रहा है? पूछे बोल। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछें मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा। जल्द निकाल मूछ मेरी। आप मुझे याद नहीं। अबे निकाल निकाल, मैं कहता हूँ मूछ निकाल। मैंने ऐसा तो नहीं कहता। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे। तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है मेरा, ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा। ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप रखो कहता था, चुप चुप। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की कसम। मेरी माँ को उंगली दिखाता है और प्रणाम करता हूँ माँ को। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। ए क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो वोट वापस मिलेगी और मेरा पैसा तो उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का सबके सामने। हाँ। चलो 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 चलो। माँ आशीर्वाद दे तेरे बेटे को, पछाड़ करूँ आशीर्वाद दे। जय माँ दुर्गा। माँ खलास कर दे। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते बाद में नाव मांगते हैं। नहीं पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई क्या हुआ, अभी से पसीना छूट गया? नहीं 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 पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा
लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसने मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल अभी पता चलेगा। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। घुमा चक्री घुमा। ये गुंगा है, ये गुंगा है, इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ। इसको बोलो मारना बंद करो। अच्छा छोड़ो, जरा छोड़ो। देखो ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। हाँ, ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। अरे नहीं, रुकिए रुकिए। देखिए देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।